आपने कुत्ते को पूंछ हिलाते तो देखा ही होगा, लेकिन शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि ये जानवर अलग तरह से पूंछ हिलाता है। डॉग बिहेवियर स्पेशलिस्ट और ट्रेनर की माने तो कुत्ते के पूंछ हिलाने के तरीके से आप ये जान सकते हैं कि उससे आपको खतरा है या नहीं। डॉग अपनी पूंछ कभी ऊपर रखते हैं, कभी पूरी तरह नीचे, तो कभी जोर जोर से हिलाते हैं। इन सब का अलग मतलब होता है। तो आइए जानते हैं उन 7 तरीकों के बारे में जिसके जरिए आप कुत्ते के बिहेवियर के बारे में आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 1, पूंछ के साथ साथ पूरी बॉडी हिलाना। कुत्ता जब हैप्पी होता है तो अपने मालिक के साथ होता है, तो उसकी पूंछ के साथ साथ सिर भी हिलता है। ये फ्रेंडली डॉग की निशानी है, लेकिन कई स्थितियों में डॉग को ठीक नहीं लगता और वो ऐसी स्थिति में पूंछ अलग ढंग से हिलाता है। नंबर 2, जोर से पूंछ हिला रहा हो। अगर कोई कुत्ता जोर से पूंछ हिलाता है तो ये कुत्ते के दिमाग में किसी तरह के टेंशन की ओर इशारा करता है। कभी भी कुत्ता एक्शन में आ सकता है, उसे अवॉइड करें। नंबर 3, धीरे से पूंछ हिलाना। अगर कुत्ता कुछ सोचते हुए धीरे धीरे पूंछ हिला रहा हो तो उससे दूर ही रहना चाहिए, वो कुछ करने की सोच रहा होता है। नंबर 4, पूंछ ऊपर टाइट खड़ी हो। अगर कुत्ते की पूंछ ऊपर टाइट हो और कभी कभी जोर से हिला भी रहा हो तो कुत्ते को अपनी जगह पर कोई और पसंद नहीं आ रहा, ये आप हो सकते हैं या फिर कोई दूसरा कुत्ता, इनसे भी दूर रहना चाहिए। नंबर 5, राइट साइड पूंछ हिला रहा हो। रिसर्च के मुताबिक जो कुत्ते अपने राइट साइड में पूंछ हिलाते हैं वो लेफ्ट साइड पूंछ हिलाने वाले कुत्तों से ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। नंबर 6, पूंछ नीचे हो। अगर कुत्ता कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं होता तो उसका पूंछ नीचे की ओर हो जाता है। और नंबर 7, पूंछ पैरों के बीच में हो। अगर कुत्ते का पूंछ बीच में से अंदर की ओर हो तो ये कुत्ते के किसी सिचुएशन से डरे होने की ओर इशारा करता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।